कैसे हो भाई साहब? यदि आज की डेट में मोदी सरकार को चुना जाए तो क्या उनकी सरकार बनेगी या नहीं? मैंने एक पोल डाला है, प्लीज आप अपना उसमें ओपिनियन जरूर बताएं। फिलहाल मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम इंडियंस मोदी सरकार को डिजर्व करते ही नहीं है। मोदी सरकार इतनी जीनियस है और हम इतने फुद्दू हैं कि हमें उनकी स्कीम समझ ही नहीं आती। वो मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं और हम लोगों को समझ नहीं आता। हम उल्लू हैं, हम डिजर्व नहीं करते उनकी स्मार्टनेस को। भाई मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में छोटे बड़े मिलकर बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक लगाए हैं, पर उनको छोड़ देते हैं। मैं मोटे मोटे आपको कुछ मास्टर स्ट्रोक बताना चाहता हूं जो हमें समझ नहीं आए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा था डीमोनेटाइजेशन, यानी नोट बंदी की 500,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि भैया या तो ब्लैक मनी को लोग पानी में फेंक देंगे या फिर लगा देंगे आग। 2 साल बाद जब काउंटिंग की गई तो 99.3% नोट सारे वापस आ गए। साथ में 1.28 लाख करोड़ का नुकसान पहले ही दिन हुआ। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए और 21,000 करोड़ जो रुपए हैं वो नए नोट को छापने में लगे और 150 से ज्यादा लोग तो मर ही गए, या तो एटीएम की लाइन में लग रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में बिल पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मर गए। लेकिन सरकार ने कहा तुम समझ नहीं रहे बास को, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, बाद में समझ आएगा। दूसरा मास्टर शॉक लगाया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 रुपए की चीज से लेके दाल चावल जरूरत की हर चीज पर जीएसटी लगाया गया। अलावा दारू पे लगाने की क्या जरूरत है यार, दारू तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो फ्री कर देना चाहिए। जीएसटी ने छोटे मोटे कुछ जो बिजनेसमैन थे उनको तो बर्बाद ही कर दिया। लेकिन सरकार ने कहा यार बिजनेसमैन को हमारा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। बताओ ये फुद्दू हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत ही लॉन्ग है ये, तो कौन उल्लू है? हम है ना, सरकार तो इंटेलिजेंट है भाई, मास्टर स्टॉक मार रही है। तीसरा मास्टर स्टॉक CANRC कि इंडिया में जो रिफ्यूजी हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनसे आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी एक्सेप्ट मुस्लिम। मतलब कि एक ऐसा बिल लाया गया जाना है जिसमें कुछ कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सभी को नागरिकता दी जाएगी। चौथा मास्टर सरकार ने लगाया फार्म बिल, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया इसमें मिडलमैन खत्म हो जाएंगे किसानों के बीच, कॉरपोरेट्स खत्म हो जाएंगे, किसानों का फायदा दुगना हो जाएगा। तो किसानों को ये बात समझ नहीं आई, जिनके लिए बनाया उन्हें हमें समझ आती ही नहीं है, वो पागल आ गए रोड पे अलग अलग जगह प्रदर्शन करने, कोई बात है? इस चक्कर में 800 से ज्यादा किसान मर गए, बाकी जो जिंदे बचे उन्हें सरकार समझा नहीं पाई। तो फिर 19 नवंबर 2021 को उन्होंने ये बिल वापस ले लिया। उन्होंने कहा यार हमारी बातें पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही। जैसे कि मैंने कहा था सरकार की जो हाई इंटेलिजेंस है वो हमें पल्ले नहीं पड़ रही। और आखिरी पांचवा मास्ट्रोक जिसमें सरकार ने अग्निपथ स्कीम निकाली कि 21 साल के जो लड़के हैं उन्हें 4 साल के लिए आर्मी में नौकरी दी जाएगी और बस। उसके बाद बीजेपी सरकार के वक्ता ने भी कहा है कि उसके बाद हम तुम्हें चौकीदार की नौकरी भी दे देंगे। लेकिन लॉन्डो देश हम लोगों को इनके मास्ट्रोक कभी समझ आते ही नहीं है, क्योंकि ये इतने हाई इंटेलिजेंस और इतने लॉन्ग टर्म के हैं कि वर्तमान समय में इसका असर हमें समझ नहीं आता। फुद्दू लोग हैं ना हम, बाकी लौंडे आ गए रोड पे यार, कर दिए अनसन कर दिए, फूक दी बस। ऐसे बस तो फूकनी चाहिए, कितनी इंटेलिजेंट सरकार है भैया, तुम ही फुद्दू हो। तो देखो छोटे मोटे मिलके बहुत सारे मास्टर को लगा दिए और आगे भी बहुत मास्टर को लगा सकती है ये, लेकिन हमें समझ नहीं आएंगे। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सरकार में कोई कमी नहीं है, बस सरकार थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम डिजर्व नहीं करते। तो तुम क्यों ऐसी सरकार चुनते हो भाई, अपनी इंटेलिजेंस लेवल की कोई फुद्दू सी सरकार चुन लो ना पागल। भैया इसलिए मैंने पोल भी दिया है, उसमें जाके बताओ कि मोदी सरकार चाहते हो नहीं चाहते हो, जी करे तो कमेंट में भी लिख दो और अपने दिमाग के IQ के हिसाब से सरकार चुनो। ये मास्टर शोक पे मास्टर शोक लगा रहे हैं और तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा, किसकी गलती है? सरकार की थोड़ी है, हमारी गलती है, हमें समझ नहीं आ रहा। ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे।